next person, actually, I just met him today and I had like a good conversation with him outside. He has a day job, a very, very hardcore corporate day job. Sonish. Thank you. Woo! Woo! Nice to come, give him a big hand. Okay, how many guys are you, how many people are here from Dadar? By any chance? But how many of you guys travel by train and pass by Dadar every day? Awesome. So, this poetry is on Dadar. It's my humble ode to Dadar. It's in Hindi. Poetry ka naam, kavita ka naam hai, Haan, main Dadar hoon. हाँ मैं दादर हूँ, मुझे लोग प्यार से गैंग बैंग भी कहते हैं। हर तरफ से मेरा यौन शोषण होता है, चाहे वो वेस्टर्न हो या सेंट्रल हो। रोज कम से कम 5 लाख लोग मेरा सामूहिक बलात्कार करते हैं। लेटेस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेक्सी शब्द का अपोजिट वर्ड दादर डिफाइन किया है। मैं मुंबई के ठीक बीच में पड़ा हूँ, मेरी हालत भी एक बीच वाले की तरह नपुंसक की है। अंधेरी और बांद्रा मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्या कूल है हम, हमारे पास बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कार्टर रोड है, तुम्हारे पास क्या है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, जय महाराष्ट्र, माझाशी शिवसेना है तुझा मायला। इतना सुनते ही साले मोत देते हैं, क्या करूं, मैं एक बूढ़ी रखेल की तरह हूं जो अपने दल्ले के नाम से बना है। ऐसी हालत है कि गूगल में अगर आप टूरिस्ट स्पॉट से ज्यादा सर्च करोगे तो गूगल भी 5 मिनट लगाएगा और जवाब में सिर्फ शिवसेना भवन ही आएगा। मुझे सैलानियों को उल्लू बनाने में बहुत मजा आता है। सैलानी इज टूरिस्ट। पोर्चुगीज चर्च में उसके नाम के अलावा कुछ भी पोर्चुगीज नहीं है। प्लाजा थिएटर में कोई भी प्लाजा नहीं है, उसमें तो जुरासिक पार्क में भी डायनासोर को मराठी बोलते हुए दिखाया गया। शिवाजी पार्क में घुसकर हर आदमी अपने आप को तेंदुलकर की नाजायज औलाद समझता है। सिद्धि विनायक की तो इस कदर मार्केटिंग की गई है कि अगर दाऊद भी माथा टेकने जाएगा तो उसके भी पाप धुल जाएंगे। मेरे पास आगरा से भी बड़ा पागलखाना है, उसे दादर पारसी कॉलोनी कहते हैं। ये तो हुई मेरी कुछ हसी नजारों की नुमाइश, पर मुझे आने वाला कल काफी धुंधला लगता है। मेरे स्टेशन की एक तरफ फूलों की सेज है और दूसरी तरफ स्वामी नारायण का मंदिर। इससे एक बात तो तय है, ऊपर वाले ने मेरे क्रियाक्रम का पूरा इंतजाम करके रखा है।